एनएसए अजीत डोभाल ने एससीओ की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी उसमें जो एंकर के पीछे जो मैप लगा था उसमें पाकिस्तान का फ्लैग था और पूरा एरिया जो कश्मीर का है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था, तो ये ऑब्जेक्शनेबल था और ये राइट किया उन्होंने, क्योंकि ऐसी मीटिंग में भाग लेना कोई तर्कसंगत नहीं है, इसलिए उन्होंने एससीओ मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। चाइना भारत का तकरीबन 38,000 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर में कब्जा किया हुआ बैठा है, जो 62 पे उन्होंने पहले कर लिया था। ये हमारी टेरिटरी है क्योंकि ये सारा इलाका कश्मीर का था। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने कुछ एरिया उनको दे दिया है, सीडेड जैसे कहते हैं, वो तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 35,000 तकरीबन स्क्वायर किलोमीटर पे चाइना का नजायज़ कब्जा है। और ये आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी क्लेरिफाई किया, क्योंकि ये कब्जा बिल्कुल ही नजायज़ तौर पे किया गया और चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आज डिफेंस मिनिस्टर ने फिर एक बार स्पष्ट किया कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी बात हुई थी उसमें जो 5 पॉइंट एजेंडा था वो काफ़ी सफल हो सकता था अगर चाइना उसको सिंसियरिटी से लागू करता और बॉर्डर पे जो टेंशन है वो कम हो सकती थी। पर चाइना ने बात तो करी और एक एजेंडा भी बनाया, फिर भी उसने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए वहाँ पर अभी स्थिति जो जथा की तथा बनी हुई है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी जब चाइना से बात करी थी तो एक एजेंडा तय हुआ था, पर चाइना ने उस एजेंडे को नहीं माना। तो बॉर्डर पे जो डी एस्केलेशन होनी थी वो अगर उस एजेंडे के तहत होती और जो मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातचीत भी चलती रहती तो अच्छी बात थी, पर चाइना इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहता कुछ है और बाद में करता कुछ है। उनके ट्रुप्स जो हैं बिल्कुल विड्रॉ नहीं कर रहे और बल्कि प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है कि चाइना एस्केलेशन को कम करने की जगह ऑन ग्राउंड बढ़ावा दे रहा है और सिर्फ बात करता है एस्केलेशन कम करने की, जो कि सही नहीं है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने फिर ऑब्जेक्शन किया, एक बार दोहराया कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो टेररिस्ट को पेंशन देता है और उनका जो एजेंडा है वो कश्मीर में बिल्कुल क्लियर है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं। तो ये नॉन स्टेज एक्टर का जो इशू है एक बार फिर से वहाँ उठाया गया और पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया।